ये है अफगानिस्तान, जो कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वर्षों से गरीबी, भूख और बाढ़ से घिरा हुआ अफगानिस्तान ऐसा कुछ अचीव कर सकता है। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी इस नहर का नाम है कोस्टेपा कैनाल। इस नहर को बनाने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने किसी से कोई एड, कोई इक्विपमेंट या कोई इंजीनियर्स नहीं लिए। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो करीबन 100 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई भी हो चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान को आखिर इतनी लंबी नहर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, और एक्सपर्ट्स ने क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से ट्रांसफॉर्म कर देगा, तो आइए जानते हैं इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में। सबसे पहले हम अफगानिस्तान के ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब उसे किसी हिस्से के साथ कोई समुद्र नहीं लगता। अफगानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड में ईरान है, नॉर्थ साइड पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में अफगानिस्तान एक छोटा सा हिस्सा चाइना के साथ भी शेयर करता है। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई इधर हिंदू कश के बर्फ से ढके पहाड़ों से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे अफगानिस्तान को पानी मिलता है। अफगानिस्तान की 40% वाटर सप्लाई हेलमंड रिवर से आती है, जो हिंदुकश से शुरू होती है और पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए फिर ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर से निकल जाती है। नॉर्थ अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये कोस्टेपा कैनाल मील का पत्थर साबित होगी और वहाँ के रेगिस्तानी इलाका हरियाली में बदल जाएगा। रेगिस्तान का ये इलाका सालों से बंजर जमीन में तब्दील रहा है, लेकिन कोस्टेपा नहर बनाने के बाद यहाँ के लोगों और ज़मीन दोनों की सूरत बदल जाएगी। इसीलिए अफगानिस्तान सरकार इस प्रोजेक्ट को ज़ोर शोर से कर रही है। और आपको बता दें कि इस नहर से 10 लाख लोगों को पानी प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों, इस नहर के द्वारा 55,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन को सींचा जाएगा, जिसमें गेहूं और चावल की पैदावार अच्छे से होगी। वही अफगानिस्तान का टारगेट है 2028 तक देश को गेहूं एक्सपोर्ट बनाने का। अब आपको बता दें कि यह मेगा प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया गया था और इसे 3 चरणों में पूरा करने का प्लान किया गया है। अब आपको बता दें कि इसके पहले और दूसरे स्टेप में नहर से खुदाई से रिलेटेड चीज़ें जुड़ी हुई है, और वही तीसरे चरण में इसमें वाटर की सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट की लागत की बात की जाए तो इसकी लागत लगभग $500 मिलियन से भी ज़्यादा है। अफगानिस्तान सरकार के अनुसार सर्दियों में अमू दरिया रिवर में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता था, इसलिए इस नहर को बनाना बहुत ज़रूरी था। इस नहर के बन जाने से अफगानिस्तान के बंजर एरिया और लोगों को पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के बाद इसमें 200 कॉन्ट्रैक्टर को लगाया गया और इसे 114 सेक्शन में बांटा गया, जहां इसके फर्स्ट फेज में 108 किलोमीटर नहर का निर्माण करना था, तो वही फर्स्ट फेज में 7,000 से ज़्यादा ट्रक और वर्कर्स के साथ साथ इंजीनियर्स भी मौजूद हैं। इसके सेकेंड फेज में लंबाई 177 किलोमीटर है। नहर के 14 हाइड्रोलिक गेट होंगे, जिसके ऊपर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि नहर में 20 किलोमीटर के दूरी तक पेड़ लगाया जाएगा, जो नहर के मिट्टी के कटाव को बचाएंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान का ये मेगा प्रोजेक्ट कितना सक्सेस होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।